नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। कभी नहीं सोचा था कि कोरोना की तबाही के बीच उपचार के दो धड़े ही आपस में लड़ बैठे। कभी नहीं सोचा था कि दोनों चिकित्सा पद्धतियों के पुरोधा एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। कभी नहीं सोचा था कि देश का हॉट टॉपिक हो जाएगा आयुर्वेद बनाम एलोपैथी। लेकिन क्या महामारी के बीच लगातार दुष्प्रचार करने को लेकर बाबा से सवाल जवाब नहीं होने चाहिए? क्या आईएमए से सवाल जवाब नहीं होने चाहिए कि आए दिन दवाओं को लेकर अपने बयान क्यों बदलते हैं? एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों ही बेहतरीन चिकित्सा पद्धतियां हैं। खामियां हैं तो योग गुरु में और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। दरअसल इस पूरी बहस में चिंगारी दी है योग गुरु बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव ने जो कुछ कहा उसको पहले आप सुन लीजिए। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमार्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है। इसके बाद आईएमए ने डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई की मांग की। रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी चिट्ठी लिखी, जिसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए कोविड 19 के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मी देवतुल्य हैं। बाबा रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर किया है, देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। मैंने उन्हें पत्र लिखकर अपना आपत्तिजनक वक्तव्य वापस लेने को कहा, ये उनका स्टेटमेंट था। वहीं योग गुरु ने विवाद बढ़ने के बाद अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, लेकिन 25 सवाल और पूछ डाले। इसके एवज में उन्होंने कहा कि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व फार्मा कंपनियों से विनम्रता के साथ सीधे 25 सवाल पूछता हूं, जो आपको नेक्स्ट विंडो में दिखाई दे रहे होंगे। ये वो 25 सवाल। इस पूरी टक्कर के बाद अब बारी आती है कुछ निष्पक्ष सवालों और इस पूरी घटना की तह तक जाने की। तो सबसे पहले योग गुरु रामदेव जी की बात करें। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना काल में जिस तरह के दुष्प्रचार किए, उनके लिए उन पर दुष्प्रचार करने का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? वातावरण में ढेर सारी ऑक्सीजन है, टीका लगवाने के बाद 1000 डॉक्टरों की मौत हो गई है, इत्यादि बयानों के लिए उन पर महामारी कानून के तहत कार्रवाई करना संभव है, लेकिन वह कानून तो ज्यादातर गरीबों पर लागू होता है। बाबा तो बड़े आदमी, बड़े लोगों के बारे में कानून की किताबों में लिखा है कि उनके लिए कानून का जाल अक्सर छोटा पड़ जाता है। रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्री को जिस तरह जवाब दिया उसमें एक जगह खेद लिखा हुआ था, बाकी पूरा पत्र खदेड़ देने के भाव से भरा हुआ था। रामदेव का इतने से मन नहीं था, उन्होंने 25 सवालों की लिस्ट बनवाकर स्वास्थ्य मंत्री समेत सभी डॉक्टरों को पकड़ा दी। रामदेव उन समझदार लोगों में से हैं जिन्होंने टीवी का सही महत्व समझा है। कृपा बांटने वाला बाबा या शनि देव की एजेंटी करने वाले बाबा भी टीवी का महत्व समझते थे, लेकिन उनके पास मनुष्य के मन में डर बैठाने और आशंका पैदा करने के अलावा बेचने के लिए कोई ठोस प्रोडक्ट नहीं था। रामदेव के पास है पतंजलि योग सूत्र का अभिन्न अंग माने जाने वाले ठोस आसन। टीवी प्रदत्त लोकप्रियता के अलावा आज रामदेव की कंपनी के पास बहुत पैसा, अथाह पैसा। कौन नहीं जानता कि पैसा क्या नहीं खरीद सकता। मीडिया और सोशल मीडिया का रेट तो वैसे भी काफी किफायती है। संपत्ति सोशल मीडिया पर कितना असर डालती है यह आसाराम के मामले से समझा जा सकता है। लगभग हर महीने सोशल मीडिया पर नाबालिग बच्चों से बलात्कार के दोषी आसाराम को जेल से छुड़वाने के लिए हैशटैग ट्रेंड कराए जाते हैं। रामदेव देर सवेरे हमेशा एक बड़े बिजनेसमैन की तरह बात करते हैं, लेकिन अन्य लोगों को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कुतर्कों की बाढ़ आई हुई। सारे के सारे पोस्ट तो पेड नहीं हो सकते, फिर क्यों रामदेव के बचाव में एक से एक दलील दी जा रही? ज्यादातर लोग बाबा रामदेव को बचाने के लिए आयुर्वेद की आड़ क्यों ले रहे हैं? अफसोस कि इसमें ज्यादातर उसी पार्टी के समर्थक हैं जिस पार्टी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इस देश में कब आयुर्वेद पर पाबंदी लगी थी? आयुर्वेद कब जानता था कि जनता के लिए यह उपलब्ध नहीं होगा? आयुर्वेद कब जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहा? पिछले कुछ दशकों में एलोपैथी डॉक्टरों ने कब मुहिम चलाई कि आयुर्वेद का इस्तेमाल मत कीजिए?
रामदेव जिन बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं या जिन बीमारियों से उनके प्रशंसक ठीक होने का दावा करते हैं, वो ज्यादातर ऐसी बीमारियां हैं जिसे आधुनिक चिकित्सक लाइफस्टाइल डिजीज यानी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां कहते हैं। देश के ज्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर पिछले कुछ सालों में एक्सरसाइज, योगाभ्यास, प्राणायाम, आयुर्वेदिक चूर्ण इत्यादि को दवा की तरह तरबीज करने लगे। रामदेव के बचाव में बहुत सारे कुतर्क अस्पतालों और फार्मा कंपनियों के कुकर्मों को आधार बनाकर दिए जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि क्या आयुर्वेदिक अस्पताल या आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियां भ्रष्टाचार या कुकर्मों में लिप्त नहीं रही हैं। किसी डॉक्टर या अस्पताल या दवा कंपनी के भ्रष्ट आचरण से आयुर्वेद या एलोपैथी की बहस से क्या सीधा संबंध है? कभी यह संबंध हो भी सकता है? जूता छोटा हो और पैर बड़ा हो तो पैर काटकर जूते में डाल देना चाहिए क्या? अब बात जरा इस पूरी बहस के दूसरे यानी आईएमए की कर ले, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा नाम। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि या तो योग गुरु रामदेव के आरोपों को स्वीकार कर देश की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को भंग कर देना चाहिए, ये उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से कहा है, या फिर उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चलिए माना कि एलोपैथी के खिलाफ बाबा रामदेव का ये बयान सरासर गलत है, उनको महामारी के वक्त में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने यह भी मान लिया कि ऐसे बयान पर आईएमए का गुस्सा जायज है, लेकिन क्या धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का इतना बड़ा संगठन पहले इन सवालों के जवाब देगा क्या कि रेमडेसिविर को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से बाहर क्यों किया गया? इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड अचानक तेज हो गई। हर दूसरा डॉक्टर कोरोना मरीज को बचाने के नाम पर इस इंजेक्शन को रिकमेंड करने लगा। देखते ही देखते भारत में सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली दवा बन गई रेमडेसिविर। कोविड 19 के मरीजों के लिए इसकी भारी मांग से बाजार में रेमडेसिविर का मिलना ही मुश्किल हो गया। यहां तक कि कुछ लोग इसकी कालाबाजारी तक करने लगे। दिल्ली NCR में कई डॉक्टर भी ऐसा करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़े। हाल ही में WHO ने इसको भी कोरोना इलाज से जुड़े प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया। इसके बाद प्लाज्मा थेरेपी भी अब जो कि कारगर। इस दौरान कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए एक पद्धति खूब इस्तेमाल की गई, वो है प्लाज्मा थेरेपी। हालांकि इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि इससे लोगों की जान बची भी या नहीं, क्योंकि देश में जिस पैमाने पर लोगों की मौत हुई है उसमें ऐसे सवाल का होना भी बेमानी है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर चारों तरफ खूब हल्ला हुआ। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और ट्विटर तक लोगों ने प्लाज्मा के लिए गुहार लगाई, डोनेशन के लिए प्रेरित किया, मदद करने वालों ने भी आगे बढ़कर प्लाज्मा दिया, लेकिन इसके साथ ही वही अब बताया जा रहा है कि वो भी कारगर नहीं। बताइए, अगली है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा। इसका हाल भी वही हुआ। कोरोना की पहली लहर के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के जरिए वायरस का खात्मा किया जा सकता है। पूरे देश में लोगों ने इस मेडिसिन का सेवन करना शुरू कर दिया। इसको लेकर ऐसा माहौल बनाया गया कि उस वक्त के अमेरिका के सबसे पावरफुल शख्स डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दवा को रामबाण माना। यहां तक कि मलेरिया के लिए इस दवा का जो इस्तेमाल किया जाता था भारत में, तो भारत पर अनैतिक दवाओं भी बनाया जाने लगा। लेकिन इस दवा से कोरोना वायरस का तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा लोगों पर साइड इफेक्ट दिखने लगा, जिसके बाद WHO ने इसे कोरोना के इलाज से बाहर कर दिया। स्टेरॉयड के धड़ल्ले से इस्तेमाल से हुआ ब्लैक फंगस, ये आजकल लगातार आप हेडलाइंस में सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और लोगों की उखड़ती सांसों को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा पहले ऑक्सीजन और उससे भी बात नहीं बनी तो स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया गया। यह जानते हुए भी कि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन स्टेरॉयड का इस्तेमाल पैरासिटामोल की तरह हो रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी से अब लोगों की मौत होने लगी। कई लोग कोरोना से ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक से मौत के मुंह में समा गए। अब तक जितने लोगों की एक्स्ट्रा स्टेरॉयड देने की वजह से जान गई उसकी जिम्मेदारी आईएमए लेगा क्या? कोरोना की एक भी कारगर दवा नहीं है, इसके जिम्मेदारी आईएमए लेगा क्या? यदि एलोपैथी इतनी ही कारगर है तो कोरोना की पूरी कुंडली होने के बावजूद अब तक एक भी कारगर दवा सामने क्यों नहीं लाई जा सकती? ऐसे में इतने प्रयोगों के बाद आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार करने वाला एक व्यक्ति जो डंके की चोट पर बात करेगा ही ना, क्योंकि उनकी दवाएं फायदेमंद भले ही ना हो लेकिन नुकसान तो नहीं करती। इतना ही नहीं, दवा कंपनियों और अस्पतालों की मुनाफाखोरी, गैर जिम्मेदार डॉक्टरों की आईएमए जिम्मेदारी लेगा क्या? आईएमए बाबा रामदेव को भले ही कटघरे में खड़ा कर ले, उन पर भड़क ले,
लेकिन कोरोना मरीजों को इलाज देने वाले डॉक्टर खुद उनसे योग और प्राणायाम करते रहने को कह रहे हैं, इसका जवाब उनके पास है क्या? दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों पक्षों की अपनी अपनी खामियां हैं, लेकिन दोनों पक्षों को टीवी पर आकर डिबेट करते समय इस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ेगा वो आम लोगों का बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा उन मरीजों का बिगड़ेगा, और क्या बिगड़ेगा, उनका भरोसा डगमगा जाएगा। और अगर ऐसे मरीजों का भरोसा दोनों ही उपचार की पद्धतियों में से किसी से भी डगमगाता है ना, तो इसका जिम्मेदार सीधे सीधे बाबा रामदेव होंगे, और वहीं दूसरी तरफ सीधे सीधे आईएमए के वो महासचिव होंगे जो टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं और बहस के बड़े सौदागर बनते हैं। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।